welcome to my channel Special Education Help. My name is Lisha. I'm a special educator. And इसी मैंने अपनी इंटर वीडियो में बताया था हमारे विजुअल इम्पेयरमेंट का कोर्स टू पार्ट में डिवाइडेड है, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल. सो हम अपनी प्रैक्टिकल सीरीज पहले स्टार्ट करेंगे बिकॉज प्रैक्टिकल सीरीज को सीखने के लिए टाइम लगता है और प्रैक्टिकल चीज़ों को स्पीड में भी हमें करना आना चाहिए. तो हम प्रैक्टिकल सीरीज अगर पहले सीखेंगे तो बाद में हमारे पास टाइम होगा कि हम उसको अच्छे से सीख सके, अच्छे से लर्न कर सके. प्रैक्टिकल सीरीज को सीखने के लिए हमें स्पीड की ज़रूरत होती है और स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस के लिए हमें टाइम की ज़रूरत होती है. तो हम पहले प्रैक्टिकल सीरीज स्टार्ट करेंगे एंड प्रैक्टिकल सीरीज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा अबैकस. सो इन दिस वीडियो हम अबैकस की फुल हिस्ट्री जानेंगे इस वीडियो में. एंड बिफोर वी गेटिंग स्टार्ट प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल फॉर गेटिंग मोर नॉलेजेबल वीडियोस. लेट्स बैक टू अवर टॉपिक. सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक अबैकस. फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट हिस्ट्री ऑफ अबैकस. फर्स्ट पॉइंट इज अबैकस हमारा एक लेटिन वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड से आया है. कौन सा ग्रीक वर्ड? अबैक्स. अबैक्स को हम अबैकॉन भी कहते हैं जिसका मतलब होता है फ्लैट सरफेस. एक्चुअली हमारा जो अबैकस होता है वो एक फ्लैट सरफेस की तरह होता है, डैट्स वाई ये ग्रीक वर्ड से आया है. सेकेंड पॉइंट इज जितनी भी काउंटिंग डिवाइसेज हैं उनमें से अबैकस भी एक ऐसा डिवाइस है जिसपे हम लार्ज नंबर काउंट कर सकते हैं. एंड थर्ड पॉइंट इज पहले के टाइम में जो मर्चेंट होते थे, जो व्यापारी लोग होते थे, जो गुड्स बेचते थे, खरीदते थे, उनको काउंट करने की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके लिए बहुत सारी डिवाइसेस, काउंटिंग डिवाइसेस इन्वेंट करी गई थी, जिसमें से अबैकस भी एक ऐसा डिवाइस था जिसके थ्रू वो काउंट कर सकते थे कि उन्होंने कितना सामान बेचा, कितना सामान खरीदा. सो इस अडेप्टेड अबैकस को टिम कैनमैन ने इन्वेंट किया था, इसलिए इस अबैकस को कैनमैन अबैकस भी कहा जाता है. मोस्टली ये अबैकस ब्लाइंड बच्चे यूज़ करते हैं और यू कैन से विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे यूज़ करते हैं. सो अभी तक हमने पढ़ा अबैकस की हिस्ट्री, अब जान लेते हैं कि अबैकस होता क्या है. अबैकस एक बहुत ही पुराना कैलकुलेटिंग डिवाइस है. अबैकस में वुडन फ्रेम होता है, रॉड्स होती हैं, बीड्स होती हैं और बीड्स के पीछे एक सॉफ्ट फैब्रिक लगा हुआ होता है. कई अबैकस में सॉफ्ट फैब्रिक की जगह रबड़ भी लगी होती है ताकि बीड्स अपने आप मूव ना करे. जब यूज़र बीड्स को यूज़ करता है तो वो बीड्स स्टेबल रहे, इसलिए वहाँ पर सॉफ्ट फैब्रिक लगाया जाता है या फैब्रिक की जगह रबड़ भी लगाई जाती है. इस पॉइंट को हम प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं. ये हमारा अबैकस होता है, अबैकस की फ्रेम होता है एंड ये अबैकस की बीड्स होती हैं. ये हमारी अबैकस की वर्टिकल रॉड्स होती हैं और वर्टिकल रॉड्स के पीछे जो है उसको हम फैब्रिक कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये बीड्स स्टेबल रहती है. आप देख सकते हैं मैं इसको हिला रही हूँ अबैकस को, तो हमारी बीड्स नहीं हिल रही है. तो इसी तरीके से हमारी बीड्स स्टेबल रहती है अबैकस की. हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ कैलकुलेटर यूज बाय द मैनुअल स्लाइडिंग बीड्स अलोंग रॉड्स. अबैकस हमारा कैलकुलेटर है, वो यूज़ कैसे होता है? जब हम बीड्स को ऊपर या नीचे स्लाइड करते हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एंड अबैकस ऑल्सो कॉल्ड अ काउंटिंग फ्रेम एंड द यूजर्स ऑफ एन अबैकस इज कॉल्ड एन अबैकस. अबैकस को हम काउंटिंग फ्रेम भी कहते हैं एंड जो पर्सन अबैकस को यूज़ करता है उसको हम अबैकिस्ट कहते हैं. सो ये कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो हम अबैकस में सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं इनको भी. फर्स्ट इज एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल, फ्रैक्शंस, परसेंटेज, रेशियो, हाफ ऑफ द नंबर्स, नंबर्स का हाफ कैसे करते हैं, डबल ऑफ द नंबर्स, नंबर्स का डबल कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट. यही हमारे मैथमेटिकल फंक्शन जो हम अबैकस में सॉल्व कर सकते हैं. नाउ कम्स टू ऑन एडवांटेजेस ऑफ अबैकस. फर्स्ट पॉइंट इज अबैकस को यूज़ करने से बच्चे को मैथ्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाती है. एंड सेकंड पॉइंट इज अबैकस को यूज़ करने से बच्चे की कैलकुलेशन स्किल बहुत बेटर होती रहती है और फास्ट भी होती रहती है. एंड थर्ड पॉइंट इज अबैकस इजी टू कैरी होता है, हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं बहुत ही आराम से अबैकस को. एंड फोर्थ पॉइंट इज अबैकस बच्चे के मैथ्स फोबिया को रिमूव करने में हेल्प करता है और बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप करता है. सो अबैकस में बच्चे बहुत ही जल्दी विद इन अ सेकंड में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, मॉडर्न कंप्यूटर से भी फास्ट, जब बच्चों को अबैकस अच्छे तरीके से यूज़ करना आ जाता है. तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है अबैकस का, एडवांटेज है बहुत ही अच्छा अबैकस को यूज़ करने का. द नेक्स्ट पॉइंट इज अबैकस पे कैलकुलेशन करना एक फन वे होता है बच्चों के लिए, जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्ट्स याद रहते हैं और एक स्ट्रेस फ्री मेथड भी होता है अबैकस पे सॉल्व करना, जिससे बच्चों को बर्डन फील नहीं होता. द नेक्स्ट पॉइंट इज अबैकस की हेल्प से हम अर्थमेटिक्स क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं. अर्थमेटिक में कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं वो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में अभी डिस्कस करें. ओके,
सो वी जस्ट डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस ऑफ अबैकस. नाउ एडवांटेजेस तो हमने जान लिया अबैकस के क्या होते हैं, अब हम डिसएडवांटेज भी जान लेते हैं. फर्स्ट डिसएडवांटेज है अबैकस पे हम अलजेब्रिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. सेकंड डिसएडवांटेज है अबैकस पे हम अपने मिस्टेक को करेक्ट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट हम, ये मैं आपको अपने अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी. सो स्टे कनेक्टेड विद स्पेशल एजुकेशन हेल्प चैनल. नाउ बैक टू अवर नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है जब हम अबैकस को सीखते हैं, यानी कि जो सीखने की प्रोसेस होती है उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन जब हमें सॉल्व करना आ जाता है अबैकस को तो हम विद इन अ सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. तो इस पॉइंट का कंक्लूजन ये है कि अबैकस की सीखने की प्रोसेस में टाइम लग जाता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अबैकस पे हमें आंसर तो मिल जाता है लेकिन हम क्वेश्चंस को खो देते हैं, इसकी वजह से हम अपनी मिस्टेक्स को भी करेक्ट नहीं कर सकते. यही था सेकंड पॉइंट का मतलब. तो ये भी बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है कि हमें आंसर तो मिल जाता है, क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाता. सो यही थे हमारे अबैकस के डिसएडवांटेज. आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे. सो गाइज आज की ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट विजुअल इम्पेयरमेंट कोर्स के टीचर ट्रेनर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि ये उनके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आते हैं. सो आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा. ओके सो गाइज आई होप मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रही होगी. एंड फॉर गेटिंग मोर नॉलेजेबल वीडियोज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर माई वीडियो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.